सर हाथ हटाएं अपना। सीनियर को हाथ ऊपर रखने दोगी तभी तो तुम तरक्की करोगी। तुम्हारा भाई गुलछर्रे उड़ा रहा है उस लड़की के साथ, गाड़ी की अगली सीट पे बैठ के सैरे करवा रहा है उसे। हर कोई तुम्हारी तरह गलीज नहीं होता। जी सर। बैठो। मिस हानिया, मैंने यहां आपको किसी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बुलाया। लेकिन सर, जस्ट अ मिनट। आपने महमूद साहब को जो थप्पड़ मारा है, आपको पता है उसका मेरे ऑफिस की डिसिप्लिन पर क्या असर पड़ा है? आपके उस थप्पड़ की वजह से मेरे ऑफिस का डिसिप्लिन पहले से बेहतर हो गया। यस, आई अप्रिशिएट। महमूद साहब को आज से फारिग कर दिया गया है और आज से आप इस ऑफिस की मैनेजर हैं। यह आपका प्रमोशन लेटर है। यस, थैंक यू सर। मैं तो एक अरसे से इंतजार कर रहा था कि मेरे ऑफिस में कोई ऐसी डेयरिंग पर्सनालिटी आए जो इस ऑफिस का निजाम संभाले। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे प्रूव करेंगी। जी सर। हरासमेंट क्या है? हरासमेंट सिर्फ खवातीन को इशारे करना या घूरना नहीं होता, उनको इग्नोर करना भी हरासमेंट के जिम्मे में आता है। स्पेशली ऑफिसर्स में, जब आपकी फीमेल कोलीग्स आपके साथ काम कर रही होती हैं, तो मेल कोलीग्स अक्सर देखा गया है कि वो उनको फील करवाते हैं कि वो नलायक हैं, वो कमतर हैं, वो कमजोर हैं, और फिर वो ख्वातीन उस कॉम्प्लेक्स में आके उनके अंडर कंट्रोल हो जाती है और उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसको हरासमेंट कहते हैं। आई होप कि हमारे ऑफिस में इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं होती हो, और अगर कोई ऐसी बात है तो हमारी फीमेल कोलीग्स भी यहाँ बैठी हैं। आपको कोई कंप्लेंट है, किसी से कोई शिकायत है, या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, तो आप खुल के बात कर सकती हैं और हम इसको नोटिस में लेंगे। जी नो सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो सब कोऑपरेट ही करते हैं। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ऐ
सोच रहा था कि पहले ये तो डिसाइड कर लें कि ये ट्रीट किस पे है। क्या मतलब? ऑफ कोर्स मेरी तरफ से होगी। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं, ट्रीट तो मेरी तरफ से होगी। क्यों भाई, मुझे प्रमोशन मिली, रिस्पेक्ट मुझे मिली है, तो ऑफ कोर्स ट्रीट मेरी तरफ से होगी। आप नहीं जानती हैं केस मैं जीता और जो जीतता है वही ट्रीट देता है। आपको पता है कि आपसे कोई नहीं जीता है ना? जब आपको मालूम है तो फिर बहस का फायदा। चलिए बताइए क्या लेंगी आप। इतना बड़ा शहर है, अकेली रहती हैं आप, यहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं बना? नहीं, इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं। ओके, और जिंदगी में आगे का क्या प्लान है? मेरा मतलब है कि यू आर अ यंग गर्ल एंड ऑब्वियसली बंदा कुछ शादी वगैरह के हवाले से सोचता ही है। ज़्यादा प्लानिंग करती नहीं हूँ मैं लाइफ में। मेरा यह मानना है कि बैल मुझे टक्कर मारे, कम से कम मैं बैल को टक्कर नहीं मार सकती। हाँ, वेल सेड, वेल सेड। तो कोई बैल नजर आया? अभी तक तो नहीं आया। आ जाएगा नजर, आ जाएगा। आपकी चाय आ रही है जी। शादी करोगी मुझसे जी? से शादी करोगी? नदिया, वो आपने फाइल कंप्लीट कर दी है? ओके। ये मेरे रूम में क्या है? अरे वाह भाई, ये तो लेटर मिलते ही एटीट्यूड दिखा रही है। बॉस जो बन गई हैं, नखरे तो दिखाएंगी ना। अरे क्या एक्टिंग कर रही हो, जैसे प्रमोशन लेटर ना मिला हो, किसी ने खामोशी से प्रपोज कर दिया हो। हमें तो लेटर मिलने से पहले ही एटीट्यूड दे रही थी भाई। वैसे यार मुझे पता होता कि थप्पड़ मारने से प्रमोशन मिलती है तो मैं महमूद साहब को गोली ही मार देती। वैसे तुम अब अपना ख्याल रखना हानिया, कोई और अपने प्रमोशन के चक्कर में तुम्हें थप्पड़ ना मार दे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये क्या भाई, तुम लोग हंसी मजाक ही करते रहोगे या पार्टी भी करोगे? सर वो जिनके लिए पार्टी रखी है वो तो मान ही नहीं रही। क्या मतलब? मुझे लगता है सर वो आपके लेटर को मजाक समझ रही है। क्यों मिस हानिया, भाई यू डिजर्व इट, इट्स योर डे और हम सब आपका ये दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप नहीं जानती मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आप जैसी दबंग लीडरशिप की ही जरूरत है, सो कंग्रेचुलेशंस।
चले 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 कहाँ भी वो जल्दी से अरेंजमेंट करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। प्लीज छुरी कहाँ भाई, छुरी कहाँ है, छुरी कहाँ है, ये लीजिए, लो लो, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड। चलो मिलके काटते हैं। एक बार फिर तालियां भाई हानिया के लिए। सर मैं क्या, नहीं नहीं नहीं, ओहो क्या हुआ, तालियां भाई तालियां। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट केक बनाया था आज, हम सब ने खाया लेकिन तुम्हारा हिस्सा मैंने अलग से रख दिया था। तुम्हें पता हारिस क्या कह रहा था? कि पापा के शेर पे मेरा हक बनता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उनके साथ इसी तरह शेयर करूंगी जैसे वहां करती। वैसे उतना मजे का नहीं बना जैसे वहां बनता था। हमारी बेटी कहती है कि मामा बनाया है आपने बिल्कुल वैसे ही, एक्चुअली चीजें यहाँ पे इतनी खालिस हैं कि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया। जल्दी आ जाओ ना, बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। हाँ बस यार दो एक दिनों में इंशाल्लाह ताला, ये तुम देख ही रही हो कितना काम का लोड है मेरे पे। बिल्कुल हलक से भी नहीं उतर रहा तुम्हारे बगैर। कब आओगे मुनीब? बच्चे भी अब बहुत मिस कर रहे हैं मुनीब, प्लीज अब कुछ करो और जल्दी आ जाओ। हाँ इंशाल्लाह बस आता हूँ। अच्छा मैं अब चलता हूँ, कुछ लोगों ने मिलना है और फिर मुझे भी एक मीटिंग में पहुँचना है। थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे केक तो खत्म कर लेने दो। अरे यार वो बाहर लोग खड़े हुए हैं, बुरा लगता है, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। प्लीज 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 कैरी ऑन। वैसे मिस हानिया एक ही दिन में इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। देखे ना ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, अगर आप चाहें तो अपने घर जा सकती हैं। जी सर बस जाने वाली थी, मैंने सोचा थोड़ा सा काम है खत्म करके ही जाती हूँ। ओके मिस हानिया। जी सर। वैसे तो आप अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियों को जल्द अज जल्द कवर अप कर लेंगी, लेकिन मुझे आपकी अनऑफिशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। I'm sorry sir, अनऑफिशियल क्या मतलब? प्लीज टेक योर कॉल। नहीं नहीं सर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप प्लीज बताएं क्या कह रहे थे आप? मेरे स्टाफ में जो लोग हैं इनके बारे में मुझे आपकी पर्सनल फीडबैक चाहिए। मेरा मतलब है उनका कैरेक्टर, उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका बिहेवियर सारा, इंक्लूडिंग सलमान। एक थप्पड़ आपने मारा था, अब बाकियों को थप्पड़ मैं आपके कहने पर मारूंगा।
नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, इट्स ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो बोलना है बोल दे। आई एम देयर। जी सर, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको जरूर बताऊं। सर कोई मुनीब साहब आए बाजी को लेने, आप प्लीज उनको कह दें कि वो चले जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। जी सही है। बात सुनो। जी सर। आज के बाद बाजी नहीं मैडम कहा करो। जी सही है सर। जाओ। घर से आया कोई? जी। करें करें कहा? अब आप कभी मेरा इंतजार ना करें प्लीज। मतलब ये कि आप किसी भी वक्त चोरों की तरह अपना सामान लेके इस घर से जा सकते हैं। अच्छा, क्या जवाब दूं उन्हें? क्या बता के जाऊं क्यों जा रही हूं मैं इस घर से? कम से कम आप मुझे तो बता ही सकती हैं कि क्यों जा रही हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए यहां से, मैं काट के देती हूं आपको। नहीं नहीं, हांडी का मजा ही क्या जिसके प्याज कोई और काटे। देखो, किसी के हाथ की लज्जत उसके खाने में उसी वक्त आती है जब तक उसकी एक एक चीज वो खुद ना करे। प्याज के काटने से लेते पतीली के धोने तक जो कुछ आप हानिया के लिए कर रहे हैं ना, आज तक आपने अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया। ये ना कहना आश, मैंने अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो जमीन छोड़ दी जहां मैं पैदा हुआ था, एक जमींदार का बेटा होकर यहां की दुकानदारी की, वो पड़ोस मोहल्ला यारियां दोस्तियां सब कुछ इस प्यास की तरह से काट दिया मैंने इन बच्चों के लिए। उसके लिए तो मैं सिर्फ खाली बना रहा हूं। लगता वो आ गई, बंद करो अपनी चिक चिक, मैं जल्दी से खाना बनाऊं, भूखी होगी वो। मुझसे शादी करोगी? हानिया जल्दी आ गए बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ जरा देखो तो सही, तुम्हारे अब्बा जी क्या कर रहे हैं? क्या? वो तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं खुद। अच्छा, आओ ना, उनको छेड़ते हैं चल के। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहूंगी। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है, रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अब्बा जी को मना कर दें कि मेरे लिए कुछ खाने में ना बनाए, मैं खा नहीं सकूंगी। अच्छा
मना कर दिया खाने से। बड़ा शौक है तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ देने का। चाहती हूँ मना करेगी। वो क्या कहते हैं बच्चे? सरप्राइज। मैं तो उसको सरप्राइज देना चाह रहा था। मैं तो मना करेगी, मना करती हो कुछ? नहीं नहीं। मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार सी लग रही है। क्यों खैरियत, क्या हुआ उसे? नहीं मैंने पूछा नहीं। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं रहने दे, उसका अपना कोई मसला होगा, आपको थोड़ी बताएगी। चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर ले वो। नहीं मेरे ख्याल से आज रहने दें, कल बना लीजिएगा कुछ। मुझे लगता है आज वो कुछ नहीं खाई। कैसे रहने दूँ, कमाल करती हो। खाएगी जरूर खाएगी, मैं खिलाऊंगा उसे। एक ही महीने से बना है मैंने, खाई ही नहीं। कैसे मैं बना? आनिया, तबीयत ठीक है बेटा तुम्हारी? अब्बा जी प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। यार तो बात तो बताओ, कुछ बताओ तो क्या है, क्यों खामखे हमें परेशान कर रही हो? अरे बेटा मैंने जबरदस्त खाने बनाए तुम्हारे लिए, थोड़ा सा चख तो लो मेरी खातिर। आ जाओ, शाबाश। अब अजी मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा तो एक काम करो, तुम आ जाओ हमारे साथ बैठो। पता बेटा खाने की टेबल जो है वो तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं लगती है। अब्बा जी प्लीज, मुझे खाने की खुशबू से मतली आ रही है, आप चाहते हैं मैं उल्टी कर दूं? बस रहने देना आप उसे, क्यों पीछे पड़े हैं उसके? ना कोई मसला होगा उसका, छोड़े चली। नहीं कोई भी मसला होता, कोई परेशानी तो मेरे साथ कभी इस तरह से नहीं करती हो। जो कोई भी मसला होगा वो उठेगी तो बता देगी ना, आप चलें खाना खाए। नहीं मुझे नहीं खाना। क्या कर रहे हैं आप? इंसुलिन लगा लिया आपने, चलिए थोड़ा सा खाए। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में ले आती हूँ आपका खाना। देखो मैं सज्जत मत करो, कह दिया कि नहीं खाना तो नहीं खाना, अगर लेकर आओगी तो दीवार पर मार दूंगा उठा के। मना किया था ना मैंने आपको, लेकिन आप तो अपनी जिद के आगे किसी की सुनते ही नहीं है। अब अगर वो नहीं खा रही है तो आप खुद को खा जाए। क्या हो गया अम्मा? अरे हानिया और क्या? क्या हुआ? बहुत चहक रही थी कि प्रमोशन हो गया उसका, इन्होंने इस खुशी में खाने बनाने शुरू कर दिए। बस आई है वापस तो बीमार कमरे में पड़ी हुई है। तुम अपने अब्बा की जिद तो जानते हो ना, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अब देखो ना इंसुलिन लगा ली है और खाना नहीं खा रहे, तो वो तो सुबह उठ जाएगी, लेकिन ये गिर गए तो खुदा ना खास्ता। बस क्या कहूँ इनको मैं। हेलो मेट्रो कैब जी, मुझे एक कैब चाहिए। अहमद अली, अहमद अली। जिंदा हूँ। सुनिए दो चार बिस्किट खा लीजिए, ऐसे भूखे पेट तो नींद नहीं आएगी ना आपको। तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है ना, तो तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? जी जी
वो जो देगें चढ़ाई थी ना आपने, कौरमा बिरयानी और खीर की, सब चट कर लिया मैंने। कमाल करते हैं आप, मैंने अपने बेटे तक को नहीं पूछा खाने को। May I help you? No, thank you. मतलब ये कि आप किसी भी वक्त चोरों की तरह अपना सामान लेके इस घर से जा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बता दें क्या जवाब दूं उन्हें, क्या बता के जाऊं, क्यों जा रही हूं मैं इस घर से? कम से कम आप मुझे तो बता ही सकती हैं कि क्यों जा रही हूं। आपको नहीं पता है, आप ही तो निकाल रहे हैं मुझे इस घर से। ओ, तो मेरे प्रपोजल का ये जवाब है। तो अब क्या जवाब देना चाहिए मुझे आपको? अगर किसी लड़की का कोई बुरा रिश्ता आ जाए तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता है कि वो गुस्से में आकर घर छोड़कर चली जाए। ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। तो चलिए, मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं वहां आकर बात कर लेता हूं। मेरा घर होता तो आप मुझे प्रपोज करते? आपने तो ऐसे यतीम, बेसहारा, बेघर लड़की समझ के फौरन से हाथ पकड़ लिया है ना। क्या मतलब है आपका कि मुझे मजीद टाइम लेना चाहिए था? मैंने टाइम लिया और जो मुनासिब लगा मैंने कह दिया। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, अब आप सोचिए, सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। सीरियसली, आप मुझे अभी तक इंसिस्ट कर रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैंने क्या सोचा है? मुझे लगता है कि आपने बहुत जल्दी में सोचा है। अभी आपको मजीद टाइम लेना चाहिए था। मैं जितना भी सोचूंगी ना मुनीब साहब, मेरा जवाब यही होगा। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा कभी करती तो नहीं वो? जाओ जरा देखा ना उसको। देखिए अहमद अली, वो कोई बच्ची नहीं है, सारी जिंदगी उसने गुजारी अकेले, अपना बुरा भला समझती है वो। तुम्हारी अपनी बेटी कमरे में बंद होती ना, फिर तुमसे पूछता मैं, मेरे मुंह में बिस्किट ठूसने के बजाय उसके मुंह में निवाले डाल रही होती। हाँ नहीं है वो मेरी सगी बेटी, और आपकी भी नहीं है। ये मोहब्बत ना करें उससे, जरा उसको अच्छी जगह मिलेगी कहीं, चली जाएगी छोड़ के। इसमें घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? अरे मैंने प्रपोज ही किया है ना, कोई चीटिंग नहीं की आपके साथ, कोई फ्लर्ट नहीं किया। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई थी और आप मना करना चाहती थी तो आप मना कर देती, बात उसी वक्त खत्म हो जाती। अच्छा तो आप ये बताइए कि आपने क्या सोच के प्रपोज किया मुझे? हाँ, आपको क्या लगता है? मैं तो हैरान हूं, आपको हो क्या गया? देखिए, औरत मर्द के हर एक्सप्रेशन को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, और जैसे मैंने आपको प्रपोज किया है आपको भी समझ आना चाहिए था। मुझे जो समझ आई है वो मैं आपको बता चुकी हूं। आपके नजदीक मैं एक बहुत अच्छा सा पैकेज हूं, यतीम, बेसहारा, मिस्कीन, बेघर, जिसको किसी सपोर्ट की जरूरत है। और आपको भी तो अपने माँ बाप के लिए किसी सहारे की जरूरत है ना। एक्चुअली आप एक बहुत अच्छी सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप वाकई ऐसा समझते हैं? तो और क्या है, एक शादीशुदा आदमी जो अपनी लाइफ में सेटल है, उसके बीवी बच्चे हैं, वो उनसे प्यार करता है, क्यों करेगा वो किसी और लड़की को प्रपोज? यू नो व्हाट, मुझे वाकई हैरत हो रही है, क्या आप गलत समझ रहे हैं?
आपको मजीद टाइम लेना चाहिए, फिर सोचिए। डोंट टेल मी दैट यू आर इन लव विद मी। आर यू? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं, सच तो कह रही हूँ। देखिए, इस बुढ़ापे में सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, और कोई नहीं हमारा। आपके तो अपने सगे आपको छोड़ के चले गए, और ये बोली बेटी आपकी, ये सारी जिंदगी बैठी रहेगी आपके साथ। ये तुम्हारी जलन बोल रही है। हाँ, जल रही हूँ मैं उससे। उसकी वजह से अगर मेरा शौहर बिस्तर से लग जाए तो क्या मैं इसको सर पे बिठाऊंगी अपने? अच्छा, तब तो शौहर का ख्याल आया नहीं। हाँ, जब वहां इकबाल के घर जा बैठी थी, अब यहां 2 घंटे में मेरी वापस जा उठी तुम्हारे दिल में। ऐसी क्या खासियत है मुझमें? क्या, क्यों, सिवाय इसके कि मैं आपके माँ बाप से प्यार करती हूँ, और क्या है मुझमें ऐसा? नहीं, यही तो क्वालिटी नहीं है आप में। अगर आप उनसे प्यार करती तो इस सारा सामान उठाकर नहीं जाती, और वो शख्स जो शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन लगाकर भूखा ना सो रहा होता, वो शख्स जिसने खुद अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया, आपकी खुशी के लिए, आपके लिए, और मुझे फोन कर करके डांट डांट के घर वापस जल्दी बुलाया ताकि मैं आऊं और आपकी खुशी में शामिल हो जाऊं, और हम सब मिलकर आपकी खुशी सेलिब्रेट करें। झूठ बोलते हैं आप, नहीं है आपको मोहब्बत उस औरत से, वो औरत जो आपकी खुशी में फूले नहीं समा रही थी, और अब उस अपने शौहर को संभालते संभालते उसकी सांस फूल गई। आप मेरे प्रपोजल को एक पैकेज या जरूरत समझती हैं तो जरूर समझें, लेकिन आप जो कुछ कर रही हैं उनके साथ वो क्या है? पैकेज, जरूरत या मोहब्बत? कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो उसे सौदा समझ लिया, मैं ही जाके देख कर आता हूं बच्ची को। अब्बा जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, थैंक यू। और मैं तो सबके लिए लाई हूँ, अब्बा जी के लिए, माँ जी के लिए, नफीसा बाजी और उनके बच्चों के लिए भी, इनफैक्ट हमारे चौकीदार, ड्राइवर, मासी के लिए भी, सबके लिए। क्या मतलब, कोई न्याज बांट रही हैं आप? क्या बात है मनी, 2-3 दिन से बहुत अपसेट लग रहे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अपसेट क्यों, ठीक हूँ बिल्कुल, तुम्हारे सामने हूँ, खा पी रहा हूँ। सब ठीक तो है ना वहाँ पे? हाँ यार, सब ठीक है, सब ठीक से चल रहा है। बस एक दो नए लड़के रखे हैं ऑफिस में, अच्छा काम कर रहे हैं। और वो लड़की कैसी चल रही है? गुड, वेरी गुड। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बॉस की तरह रोज उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो मिला भी नहीं उसे, कई दिन हो गए मैंने देखा नहीं उसे। असल में हमारी टाइमिंग मैच नहीं करती है, बहुत कम आमना सामना होता है हमारा। अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है। मैं पता है माँ बाप कितने मुश्किल हैं,
खुश रखा है उसने दोनों को, बड़ी बात है। मगर कब तक? कल को वो कहीं चली गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम दोनों के लिए। क्यों, कहीं जा रही है? कहीं भी जा सकती है यार, बाउंड थोड़ी है वो हमारी, एक अंडरस्टैंडिंग ही है ना जिसके तहत वो रह रही है हमारे साथ। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, से और क्या चाहिए, घर की मालकिन बनी बैठी है, ना किराया देना है, ना कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आराम से बैठी है। व्हाई वुड शी लीव? यार ये घर उसका अपना थोड़ी है, कल को तो उसने अपने घर जाना ही जाना है, हो सकता है उसकी शादी हो जाए और वो चली जाए। अरे तुम्हें तो उसकी शादी की फिक्र भी लग गई, कोई अफेयर है उसका? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाउ डू यू नो? क्योंकि अफेयर वाली लगती नहीं है मुझे। तो देख लो ना, कोई मुनासिब सा भनोई अपने लिए घर दामाद बना लो। मैं तो तुम पे हैरान होता हूँ, किस किस्म की बातें करती हो तुम। मैं तुम्हारे बाप की बेटी है तो तुम्हारी बहन ही हूँ ना, ख्याल रखना इकबाल जैसा ना कोई ले आना। मुझसे तो उसका हाल देखा नहीं जाता, घर में जाता हूँ तो खौफ रहता है कि क्यों मुझे कुछ ना कर दे, बाहर जाता हूँ तो फिक्र रहती है कि अपने आप को ना कुछ कर ले। अब कुछ बताओगे भी या पहले ही बुझवाते रहोगे? उस मोहिना, जब से आप गई है ना, अचानक नफीसा को क्या हो गया? आपकी जुदाई को दिल पे ले लिया उसने? नहीं, बल्कि जहन पे ले लिया। अरे तो हुआ क्या है उसे? देखो एक दिन की बात हो तो बताओ आपको, वो तो रोज हमले कर रही है। हमले? हाँ जी हमले, चाकू, छुरी, बेलन, कैंची, कुर्सी, जो हाथ में आता थे मारते। वो तो शुक्र करे मैं अमन पसंद आदमी हूँ, घर में कोई पिस्तौल या बंदूक नहीं है। नहीं तो अब तक आप अपने बेवा बेटी और यतीम नवासियों को लेके बैठी होती है। रोज गालियां देना, गिरबान पकड़ना, ये देखे कभी कभी पैर में कभी पेट में, क्या क्या बताओ आपको। आपने फिक्र नहीं है हमारी जान, बच्चियों का डर लगा रहता है कि उनको ना कहीं कुछ हो जाए। मियां मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, किसी डॉक्टर को दिखाओ ना। डॉक्टर का नाम ले लीजिएगा, डॉक्टर का नाम सुनते ही तो अजीब सी हालत हो जाती है उसकी, कहते मुझे क्या सब पागल समझ रखा है, खबरदार जो किसी से कोई बात की तो डॉक्टर ने। अल्लाह मेरी बच्ची पे किसी का साया तो नहीं हो गया? जो साया उस पर था आयशा, उतर गया अब। खुदा के लिए आप उसके पास जाएं, अल्लाह ना करे कहीं मेरी बच्ची सचमुच तो पागल नहीं हो गई। वो अब ठीक हो गई है, आज जो कुछ वो कर रही है वो भी बिल्कुल सही कर रही है। और गलती क्या मेरे मामू जान, जो आपसे बात करने आ गया? आप और मामू जान रहे अपनी उस मुंह बोली बेटी के साथ? मेरा खुदा क्या वक्त आ गया कि अपना खून नहीं बचाना जा रहा, मजाजी खुदा हूं उसका हक नहीं बख्शूंगा मैं। नहीं, घर जाके सोचना कि मुजाजी खुदा को मानने वाला कुफर पे क्यों उतर आया। दादा, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी तारीफें हो रही हैं आपकी, बड़े सलीके से घर को आपने संभाला है और घर वालों को भी। जी इकबाल भाई, अब इंसान जहाँ का नमक खाए वहाँ का हक भी तो अदा करना चाहिए ना, ऐसे नमक हराम ही नहीं करनी है ना। वैसे खानी तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी जान की कसम, लग रहा सिर्फ नमक नहीं खा रही आप, लग रहा चीनी भी खूब फाक रही है। ये कुछ प्रेजेंट्स लिए थे मैंने नफीसा बाजी और बच्चियों के लिए, आप घर जा रहे हैं तो उन्हें दे दीजिए। और सुने, अगर कहीं से थोड़ी सी चीनी आपको भी मिल जाए ना तो फांक लीजिए, कम से कम आपकी बच्चियों को ही जरूरत पड़ सकती है आपके प्यार के दो मीठे बोलों की।
refugee camps. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ. नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ. अच्छा, बात सुने. वो आपके लिए प्रेजेंट लिया था मैंने. थैंक यू. ये वही परफ्यूम है जो आप यूज करते हैं, मैंने देखा था. शुक्रिया, लेकिन स्पेसिफिकली तो मैं कोई खास चीज इस्तेमाल नहीं करता, बस ये एक दो मरतबा अपनी है ना लेकर आई थी मेरे लिए. उनके लिए भी लिया है मैंने, कोई न्यू ब्रांड है, आई होप शी लाइक्स इट. आप उनको दे दीजिएगा जाके. इनफैक्ट मैंने बच्चों के लिए भी लिए हैं चीजें ये. शुक्रिया, लेकिन ये सब का क्या मतलब है? ये कैसा सवाल है? किसी को गिफ्ट क्यों देते हैं? और वैसे भी मैं उनके घर में रहती हूँ, उनकी चीजों के साथ कनेक्टेड तो हूँ ना. वो बात तो ठीक है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है कि आप मुझे कुछ रियलाइज करवाना चाह रहे हैं. क्या? यही कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और वो आप मुझे इसी सर्कल में देखती हैं. आपका सर्कल तो यही है, इसमें कोई शक नहीं है. मेरे गिफ्ट देने या ना देने से ये रियलिटी चेंज नहीं हो जाती. और मैं तो सबके लिए लाई हूँ, अब्बा जी के लिए, माँ जी के लिए, नफीसा बाजी और उनके बच्चों के लिए भी. इनफैक्ट हमारे चौकीदार, ड्राइवर, मासी के लिए भी, सबके लिए. क्या मतलब, कोई न्याज बांट रही हैं? जी, ये रख लीजिए, किसी मुस्तहक को दे दीजिएगा, ड्राइवर, माली या खानसामा. आपको नहीं लगता कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो इंसल्टिंग? आपने मुझे लाके सबकी सफ में खड़ा कर दिया है, आपको नहीं लगता कि ये मेरे लिए हर्टिंग है? ये लीजिए, जिस रोज आप स्पेसिफिकली मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगी तब मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा. कोई आपकी तरफ दोस्ती का, एहतराम का हाथ बढ़ाता है तो आप उसको खिराक समझ के झटक देते. तुम मुझे संभाल लो हानिया, मैं तुमसे बाकायदा निकाह करूंगा. अगर आपकी कॉल नहीं आती ना होनी तो मेरे पास आंसुओं के सिवा भी कुछ नहीं होता. आप उस पर इतना सख्ती ना क्या करें, आजाद रहने वाली बच्ची है, कब तक बर्दाश्त करेगी ये पाबंदियाँ? मोहब्बत में ऐसा ही होता है, खामोश लोगों को बोलना सिखा देती है मोहब्बत, और बोलने वालों को चुप करना. अभी तक हाँ बात कांप रहे हैं मेरे. और मेरा तो दिल कांप रहा है मुनीब, ये कोई इतना छोटा तो फैसला नहीं है. या तुम मदद कौन सी.